सूरत चैनल, कैसे हैं आप सब। सुबह हो गई, नाश्ता बन गया, नाश्ता टेबल पे आ गया, लेकिन ये दुष्ट प्राणी, ये एक प्राणी है, एक तरह अलग तरह की स्पीसीज है, इसके पास वक्त नहीं है नाश्ता करने का। कोई से समझाओ कि जब ब्रेड का नाश्ता बनता है उसे जल्दी खा लेना चाहिए, अदरवाइज ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है और वो खाने लायक नहीं बचती है। कहाँ डोलते रहते हो तुम सुबह सुबह, इधर से उधर घूमते रहते हो? काम कर रहा था। बाय द वे, सैंडविच कैसा लग रहा है आज? कुछ अलग किया है मैंने इसमें? नहीं, there's difference in sausages. Anyways, इनको तो कुछ पता चलना नहीं है, आपने तो देखा ही है मैंने क्या क्या डाला है। हाँ बोलो, चलो हम ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, आपसे बाद में मिलते हैं। मुच्छरलाल आमी। ब्रेकफास्ट हो गया, क्लास हो गई, आहाना नहा के रहती है, बेबू को नहलाना है, फ्रूट्स भी खा लिए, मम्मी दूध दलिया खा लिए, मैंने चीकू खा लिए, खनक ने एप्पल खा ली, आहाना फ्रूट्स खा नहीं रही है तो कांट हेल्प इट। और अब हम आए हैं किचन में खाना बनाने। खाने में आज हम बना रहे हैं क्या? हम बना रहे हैं फोफलिया की सब्जी। फोफलिया इज अगेन अ मारवाड़ी सूखी सब्जी, यूजुअली राजस्थान में ही बनती है ज़्यादातर, और जो हम मारवाड़ी लोग हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में रहते हैं तो वो लोग राजस्थान से मंगा लेते हैं, और जो जहाँ रहता है वहाँ पर भी बना के खा सकते हैं। इट्स नॉट मतलब लाइक कि सिर्फ राजस्थान में बनेगी और राजस्थान में ही खाएंगे, नहीं। जब हम कोलकाता में थे हम वहाँ पे भी खाते थे, मैं नेपाल में थी मैं वहाँ पे भी खाती थी, दिल्ली में भी खाते थे। इट्स जस्ट कि आपको मंगानी पड़ेगी, या आप कभी राजस्थान आए हो तो आप लेके चले जाओ। यूजुअली ये वाली सब्जियाँ विंटर में ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इनको रोटियों के साथ खाया जाता है, और रोटियाँ विंटर्स में अच्छी लगती है क्योंकि डाइजेस्ट करना ईजी होता है, गर्मियों में ना हैवी हो जाती है बहुत, तो समर्स में नहीं खाते हैं, विंटर्स में खाते हैं। और आप पूछोगे कि फोफलिया होता क्या है? फोफलिया इज लाइक नथिंग, मतलब लाइक कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड चीज, इट्स जस्ट कि जो टिंडे आते हैं हमारे, जो छोटे छोटे टिंडे होते हैं उनको स्लिट करके, मतलब चार पीस कर दिए, दो पीस कर दिए, और फिर उसे धूप में सुखा दिया, मतलब उसको तब तक सुखाओ जब तक वो ऐसे ना हो जाए। ओके, तो ये है टिंडे सूखे हुए, या मारवाड़ियों में जो कहते हैं या राजस्थानी में जो कहते हैं सिरावड़ी, नहीं सिरावड़ी बोल रही हूँ, फोफलिया। सिरावड़ी इज ऑल्सो अ सब्जी, सूखी सब्जी, तो वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, बट दिस इज फोफलिया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट दैट इज फाइन। तो आज हम बना रहे हैं ये, इसके साथ बाजरे की रोटी, चने की रोटी, एक मटर की सब्जी, चपाती।
दैट्स रोटियां जिस दिन बनती है, दाल चावल नहीं बनते क्योंकि रोटियों से पेट भर जाता है, दाल चावल की आपको जरूरत नहीं लगती। ओके, अब नेक्स्ट चीज, इसे बनाते कैसे हैं? कुछ नहीं, अगर पॉसिबल हो तो रात को ही इन्हें भिगा दो पानी में, तो ओवरनाइट अच्छे से सोक हो जाएगा, दूसरे दिन मॉर्निंग में आप बॉईल कर लो और फिर सब्जी बनाओ। अगर मान लो आप रात को भिगाना भूल गए तो कुछ नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, मॉर्निंग में जब उठे हो, क्योंकि लंच में बननी है, 2 बजे तक लंच करोगे तो आराम से सुबह 7 बजे 8 बजे जब भी उठो उस टाइम इसे गर्म पानी में भिगा दो, तो 3-4 घंटे में भी हो जाती है। लेकिन फॉर बेस्ट रिजल्ट, अगर अच्छा है अगर आप रात को ही इसे भिगा दें, जस्ट लाइक छोले राजमा चने वैसे ही, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, मैं जैसे गलती कर चुकी हूँ, मुझे आइडिया नहीं था ये फूल की कितनी ज्यादा हो जाएगी, मुझे लगा भिगा देती हूँ एक सब्जी का हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये फूलती बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोग 4 लोगों के लिए बना रहे हो तो इतनी ही भिगाना, क्योंकि जो इतनी भिगाओगे ना वो इतनी हो जाएगी, ठीक है, और वो 4 लोग आराम से रोटी के साथ चूर के खा सकेंगे। ये तो हमने भिगा दिया था, भिगा के उसे कुकर में बॉईल कर लिया, बॉईल अराउंड 1 सीटी फुल पर और 2 सीटी सिम पर आप लगाओगे तो आपके पक जाएंगे। और खोल के देख लो, इनकेस अगर आपको लगे कि आपके फोफलियां नहीं पकी हैं तो आप इन्हें वापस 1 सीटी और लगवा लो, सिम पर पक जाएंगे। और चाहो अगर आपको लगे, डाउटफुल लगे, तो थोड़ा सा सोडा डाल दो, सोडा डालने से क्या होता है जल्दी पक जाते हैं, जो ना पकने वाली जो बात होती है ना कि क्या पता पकेंगे नहीं पकेंगे, तो सोडा डालने से वो डेफिनेटली पक जाएंगे, लेकिन जरूरत नहीं होती, बिना सोडे के भी ये पक जाएंगे, 3 से 4 सीटी मैक्सिमम पक जाएंगे। तो ये मेरे तो बॉईल हुए हुए हैं, मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ, कच्चे भी बॉईल हुए हुए भी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये है कच्चे फोफलिया और ये बॉईल किए हुए फोफलिया। अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। फोफलिया सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करके उसमें 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें जीरा डालेंगे 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें हमारे सारे मसाले डालेंगे, हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 to 3 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमारे बॉईल किए हुए फोफलिया इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और हम इसमें डालेंगे काचरी पाउडर 2 टेबलस्पून और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून शक्कर, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढककर थोड़ी देर पकने देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से फोफलिया के साथ मिक्स हो जाए। आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हो जिससे कलर और सुंदर आ जाएगा। और बस हमारी फोफलिया की सब्जी तैयार है। खेल के आ गए आज, बहुत मस्ती की,
मैं यूजुअली कम ही लेके जाती हूँ, लेकिन क्योंकि प्रॉमिस किया था बेबू से तो लेके तो जाना ही था। लेट जाओ जल्दी जाओ, लेकिन जाना था, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। आने के बाद फटाफट से लंच किया क्योंकि लेट हो गया था, आंटी के आने का टाइम हो गया था, और बस फटाफट लंच का काम खत्म किया। और लंच करते करते जब फोन को ऐसे ही स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो व्हाट्सएप पे एक बहुत ही खूबसूरत कविता आई। कविता कह लो या कुछ चार लाइनें कह लो, हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए और दोस्तों के लिए। आपको पढ़ के सुनाती हूँ, सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी सब सखियां, इसका टाइटल है। मेरी सब सखियां, चाय की माफिक कड़क है, पक पक कर स्वादिष्ट हो गई है, जिंदगी जीने में माहिर हो गई, दूध बनकर ससुराल आई थी, अदरक की तरह कुटी गई, वो अपनी चीनी मिलाती रही और तजुर्बे की आज में खुद को पकाती रही, और आज देखो सब मजे से घर चलाती है और अपना भी दिल बहलाती है। 40 के पार होकर भी 26 सी नजर आती है, कोई अब दूध सा उफनता नहीं, किसी का हाथ अब चलता नहीं, सब समेट लेती है, ये उम्र दराज नहीं होती है, उम्र को दराज में रख देती है। कितना सही है, उम्र दराज होती नहीं है, उम्र को दराज में रख देती है। इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और ये इलायची की तरह महक रही है, बूढ़े हो इनके दुश्मन, बूढ़े हो इनके दुश्मन, ये रोज नए नए काम कर रही है, इनका नशा कभी कम ना होगा, इनका नशा कभी कम ना होगा, कुल्लड़ हो या वोन चाइना, कुल्लड़ हो या वोन चाइना, इन्हें कोई गम ना होगा, ये तो अदरक से भी दोस्ती निभाती है, उसे अपने अंदर समा उसका भी स्वाद बढ़ाती है, ये तो अदरक से भी दोस्ती बढ़ाती है, उसे अपने अंदर समा उसका स्वाद बढ़ाती है। चाय की माफिक साहेब, चाय के माफिक सबकी पहली पसंद कहलाती है ना। कितना सही लिखा है, हम लड़कियां, लेडीज, मदर्स, बहने, कुछ भी, एक मतलब लाइक एक कैरेक्टर, कैरेक्टर के हजारों नाम है, कहीं आप बेटी हैं, कहीं आप माँ हैं, कहीं बीवी है, कहीं दादी है, कहीं दोस्त हैं, तो कहीं कुछ और। नाम चाहे कोई भी हो, रिश्ता चाहे कोई भी हो, हम लड़कियां हर रिश्ते को बखूबी निभाते हैं, हर जगह अपनी एक नई छाप छोड़ के जाते हैं, लोग हमें हमेशा याद करते हैं। आपका परिवार आपके लिए आपकी जान होता है, आपके लिए सब होता है, और आपके दोस्त आपकी लाइफलाइन होते हैं, जिसके बिना जिंदगी अधूरी होती है। और सच्चे दोस्त तो जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो मिले उन्हें जो संजो के रखे वही अच्छे इंसान होते हैं। खैर ये सब तो चलता रहेगा, लड़कियों के लिए जितना कहा जाए उतना कम होगा, लोग कहेंगे लड़की होके लड़की के लिए इतना बोल रही है, क्या करें, अगर कोई और ना कहे तो खुद को तो बोलना ही पड़ेगा ना, अपना हक छीनना पड़ता है, आसानी से नहीं मिलता है। इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मजा आया हो, आपने एंजॉय किया हो। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप नए हैं तो मेरे पिछले ब्लॉग्स भी देखना, क्योंकि वहां पर आपको मिलेंगे कुछ फनी ब्लॉग्स, कुछ चैलेंज ब्लॉग, कुछ रेसिपीज ब्लॉग्स, तो अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आपसे विदा लेती हूँ, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज वेल।